डीएम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। डीएम कौशल कुमार ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल के ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड सहित तमाम वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने ये बताया कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कुछ चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। कहा कि सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती में प्लानिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा ओपीडी में बैठने की व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी। साथ ही साथ प्रसव कक्ष के बाहर महिलाओं, खासकर मरीज के परिजनों के बैठने की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा वेंटिलेटर के लिए मूर्छक की आवश्यकता को लेकर कहा कि इसके लिए प्रक्रिया की जा रही है। डीएम कौशल कुमार ने कहा कि अस्पताल परिसर में वाहनों के रखरखाव को लेकर कुछ सिविल वर्क कराने की आवश्यकता है, जिसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर सदर SDO मनीष कुमार, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप, CS डॉक्टर मिहिर वर्मा सहित अन्य मौजूद थे। BNP न्यूज़ के लिए सुपौल से अमरीश कुमार की रिपोर्ट। जो मूलभूत सुविधाएं पेशेंट को दी जा रही है, उसके पूरा निरीक्षण किया गया। OPD, IPD, मदर केयर गाइड यूनिट जो है, उसके बाद इमरजेंसी वाला जो है, फिर हमारे ऑपरेशन वर्किंग थिएटर वगैरह है, निरीक्षण किया गया। सब जगह स्थिति तो सामान्यतः ठीक है, लेकिन थोड़ा कमी है। सिक्योरिटी गार्ड का सही से प्लानिंग नहीं किया गया, एस्कलेशन भी नहीं किया गया। सिक्योरिटी गार्ड को ज़्यादा संख्या में लगाएंगे और उसको रिप्लाई करके ताकि आम जनता सुविधा होने के। SNCU में कुछ जो बच्चे की माताएं हैं, उसको बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए कहा गया कि अलग से स्पेस क्रिएट करें, ताकि जितने बच्चे रहते हैं तो माँ को भी उतनी व्यवस्था हो। इसके अलावा अन्य जगह सैनिटाइजर वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह जो अवैध रूप से पार्क होता है, उसके बारे में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कुल मिला के आगे नए दिनों में हम लोग कुछ सिविल वर्क करवाना पड़ेगा, जिससे कि और व्यवस्था सुदृढ़ हो। खास तो हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने देखा है कि OPD में बैठने की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो बैठने के लिए प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश और स्पेशल लगाने के लिए दिया गया है, ताकि ऑन एन एवरेज यहाँ पर करीब 500 OPD होता है डेली, तो उनके साथ एक अटेंडेंट भी आते हैं, तो बैठने की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। तो व्यवस्था ओपन स्पेस तो काफ़ी है, लेकिन हम लोग बैठने की व्यवस्था करवाएंगे, ताकि जो भी आए पेशेंट को DM साहब, CT स्कैन को लेकर, CT स्कैन 5-5 घंटे, 6-6 घंटे नाइट में इमरजेंसी में लोगों का रिपोर्ट नहीं मिल पाता है, सुबह मिलता है अगर नाइट में। CT स्कैन का रिपोर्ट जैसा मैंने अभी मैनेजर से बात किया कि 2 घंटे में मिल जाता है, लेकिन 2 घंटा समय भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग मैनेजर से बात करके प्रयास करेंगे कि जो इमरजेंसी कंडीशन वाले पेशेंट हैं, उनको हाफ एन आवर के विदिन रिपोर्ट मिल जाए, ताकि उनका समुचित इलाज। सर, अस्पताल कैंपस में प्राइवेट लोग AC लगा के रहते हैं, बिजली बिल अस्पताल को भरना पड़ता है सर? ऐसा नहीं है, हम लोग जहाँ ऐसा होगा तो हम लोग उसको फिर कार्रवाई करेंगे। अभी तो मैं पहला निरीक्षण हुआ है, अभी तो सुविधाएं हमने देखी है, इस तरह का मामला संज्ञान में आएगा तो उसकी कार्रवाई होगी। फार्मासिस्ट जो है, जो हमारे 2 फार्मासिस्ट यहाँ पे हैं, एक हमारे सेंट्रल वेयर हाउस में है, एक दवा काउंटर पर रहता है। तो आज एक पेशेंट का एक दवा जो है, जो सेंट्रल वेयर हाउस में उपलब्ध नहीं था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर पर उपलब्ध नहीं था, उस पेशेंट को दवा नहीं दिया जा रहा था। मेरे द्वारा क्वेरी करने पर पता चला कि सेंट्रल वेयर हाउस में है। उन दोनों फार्मेसिस्ट को निर्देश दिया गया है कि आप दोनों में आपस में समन्वय स्थापित रखें, ताकि दवा चाहे डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर पे या फिर सेंट्रल वेयर हाउस में जिले के, अगर दवाई है तो पेशेंट को मिलना चाहिए, और दवाई नहीं है तो उसका अपना विधिवत रिक्वेशन DMHIS करें, ताकि दवाई को उपलब्ध हुआ है। ICU में काफ़ी वेंटिलेटर के लिए मूर्छक चाहिए और कुछ टेक्नीशियन चाहिए, इसका रिक्वेशन हम लोग विभाग किए हैं। हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से वो हमें मिले और फिर हम लोग ICU को सुधार सकते हैं।